26 जनवरी एक राष्ट्रीय उत्सव है। 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि उस दिन संविधान देश में लागू हुआ था। उससे ठीक 3 महीने पहले यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था उसको पहले देश की संसद ने, देश ने, सारे जितने भी प्रतिनिधि थे उन सब ने उसको बहस करने के बाद, उसको छानने के बाद, उसको परखने के बाद अंगीकार किया, उसको एडॉप्ट किया, उसको माना। उसको मानने के बाद राष्ट्र पर लागू हुआ और वो 3 महीने बाद हुआ। 26 जनवरी आप सबको बिल्कुल रटी हुई है क्योंकि बचपन से 26 जनवरी आपकी यादों में आती है। स्कूल में आपको 2 लड्डू मिलते हैं, उस दिन जगह जगह आप तिरंगा झंडा देखते हैं, कागज के झंडे बच्चे हाथ में लेके घूमते हैं। राष्ट्र का एक बड़ा कार्यक्रम जनपथ इंडिया गेट पर होता है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसलिए राष्ट्र का कार्यक्रम सारा जनपथ पे, राजपथ पर होता है, इंडिया गेट से लेके और जो संसद भवन यानी कि जो पूरा राष्ट्रपति भवन है वहाँ तक की जो रोड है उसको राजपथ बोलते हैं। 26 नवंबर ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि अगर संविधान ना बनता या संविधान को अंगीकार ना किया जाता या संविधान में कमी होने की वजह से अगर वो दिक्कत में आता या संविधान सक्षम ना होता तो उसको लोग अडॉप्ट नहीं करते, उसको देश अडॉप्ट नहीं करता, उसको अंगीकार नहीं करता, उसको ग्रहण नहीं करता, उसको मानता नहीं। 26 नवंबर का कार्यक्रम ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि उस दिन उस संविधान पे सारी जानकारी, सारा अन्वेषण, सारे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, सारा चर्चा होने के बाद, जितनी भी परिचर्चा हुई उसके बाद उसको अंगीकार किया गया। राष्ट्र 26 नवंबर को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मनाता है, मगर वो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ यानी कि जो हमारी संसद है वो, या जो हमारी लीगल बॉडीज़ हैं उनके अंदर ही मन के रह जाता है। भारत के लोग बहुत कम जानकार रहे इस बात के कि जिस दिन संविधान का जन्म होता है उस दिन संविधान का जन्मोत्सव, जन्मदिन या संविधान का बर्थडे या कॉन्स्टिट्यूशन का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। जितने भी जानकार देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, विकसित देश हैं, वो अपने संविधान के जन्म का उत्सव, जन्मदिन उत्सव, बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उनकी पब्लिक मनाती है। ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसलिए इसकी सोच भी राष्ट्रीय होनी चाहिए। पिछले लगभग 50-60 साल से कुछ मुट्ठी भर लोग ही राजपथ के दोनों तरफ जो पार्क हैं वहाँ पर अपनी परिवार और फैमिलियों के साथ जाते हैं और पिकनिक के रूप में मनाते हैं, वहाँ संविधान को पढ़ते हैं, संविधान की चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज लेके जाते हैं, अपनी दरी, अपनी चादर, अपना खाना अपने बच्चों के साथ जाते हैं। वो कुछ ही इंटेलेक्चुअल लोग दिल्ली के बहुत मुट्ठी भर से हैं और देश के कई हिस्सों में भी इसको बहुत छोटे स्तर पर बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं। मगर 2017 में जो संडे पड़ा तब इसका प्रचार प्रसार खूब हुआ व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, और उसके प्रचार प्रसार से ये कार्यक्रम जो पहले कहीं एकल मनता था यानी एक आध व्यक्ति मनाता था, या कहीं कोई परिवार मनाता था या 2-4 परिवार मनाते थे, या कहीं कोई छोटा मोटा संगठन जो जानकार है वो मनाता था, उसके बाद इसकी एक तरह से बाढ़ आ गई और लगभग 2017 में एक कंपटीशन हुआ संविधान दिवस मनाने का पूरे देश में, और 2000 प्लस यानी 2000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम 2017 में लगे। सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, मगर जो कार्यक्रम लगे वो सारे के सारे या तो किसी संगठन के द्वारा लगे या किसी सरकारी कर्मचारी की संस्था के द्वारा लगे या किसी लोगों ने समूह में आके कहीं पिकनिक या कोई कार्यक्रम लगा या कहीं कोई व्यक्तिगत संस्था है उसमें लगे, यानी जितने भी लगे वो कार्यक्रम ना तो स्टेट लेवल के लगे और ना ही राष्ट्रीय लेवल के लगे। सरकार ने भी कार्यक्रम मनाया इस दबाव में कि लोग कार्यक्रम को मना रहे हैं, कहीं उसने सरकारी कार्यक्रम एकाध मनाए। 2018 आते आते इसकी संख्या 10,000 प्लस हो गई, यानी पिछले साल जो ये लगे, बावजूद इसके कि तब संडे नहीं पड़ा, मंडे पड़ा था, सोमवार पड़ा था, फिर भी 10,000 से ज़्यादा कार्यक्रम पूरे देश में लगे, छोटे बड़े सारे में लगे। मगर राष्ट्रीय कार्यक्रम की जो सोच है वो थोड़ी सी मध्यम हो गई, क्योंकि जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम 26 जनवरी का होता है इंडिया गेट के ऊपर, ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम 26 नवंबर को भी इंडिया गेट के ऊपर होना चाहिए, मगर वो बात नहीं बनी क्योंकि लोगों ने अपने इंडिविजुअल कार्यक्रम लगाए, और ये अच्छा भी है, कम से कम कार्यक्रम लगने शुरुआत हुई तो लोगों की सोच भी राष्ट्रीय लेवल तक बदल जाएगी, राष्ट्रीय लेवल पर आ जाएगी। 14 अप्रैल का कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है,
उस कार्यक्रम का कोई संगठन नहीं होता, उस कार्यक्रम में सभी लोग अपना अपना हिस्सा डालते हैं और वो बाबा साहब के नाम से होता है। 26 नवंबर राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है मगर उसको सरकार मनाती है, 15 अगस्त भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है मगर उसको सरकार मनाती है। मगर 26 नवंबर में ये अनोखी बात देखी पिछले साल कि इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम तो बनाया मगर सरकार ने नहीं, लोगों ने बनाया। और इंडिया गेट पे भारी मात्रा में लोग अपना खाना लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर शांति के साथ बैठकर, क्योंकि राजपथ पे कोई भी कार्यक्रम जो भी लगेगा वो इंडिविजुअल लगेगा, उसको कोई संगठन नहीं बुला सकता। राजपथ पर कोई भी कार्यक्रम किसी संगठन के द्वारा अनुमोदित नहीं है, उसको अनुमति नहीं मिलती, इसलिए वहाँ आपको इंडिविजुअल आना पड़ेगा। आप अपने परिवार के साथ आइए, पिकनिक मनाइए, वो आपका राइट है, मगर कोई संगठन, कोई भी संस्था वहाँ अपना कार्यक्रम नहीं लगा सकती। इसलिए राष्ट्रीय स्वरूप को जानते हुए, राष्ट्रीय उत्सव को मानते हुए सभी लोग इंडिया गेट पहुँचते हैं चुपचाप शांति से, और एक दूसरे अपने साथी, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार को बोलते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम की जो मूलभूत संरचना है वो बड़ी ज़बरदस्त है। भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत गिने चुने हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में आता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर बुद्ध पूर्णिमा मनता है, इसलिए वो राष्ट्रीय कार्यक्रम में आता है। उसे भी भारत के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब इंडिया गेट के पास के म्यूजियम में जाके भगवान बुद्ध की अस्थियों को देखते हैं। इसलिए 26 नवंबर को वर्किंग डे है, और वर्किंग डे में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि अधिकतर जो लोग संविधान को प्रमोट करने वाले या संविधान को मानने वाले या राष्ट्रीय उत्सव मनाने वाले हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए या तो वो संडे को एक दिन पहले, जब भी संडे पड़ता है, या संडे बाद 26 तारीख के बाद मनाते हैं या मनाने लगे हैं। मगर 26 नवंबर की जो मूल संरचना है और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम की मूल बात है उसको मनाने के लिए भी जाना चाहिए, भले ही चाहे 5:30 बजे के बाद या 6 बजे के बाद शाम को जाएं, क्योंकि इंडिया गेट तो रात भर खुलता है, या आधे दिन की CL लेके आएं या पूरे दिन की CL लेके आएं, एक दिन या आधा दिन अपनी छुट्टी का 26 नवंबर को देना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसका कोई जनक नहीं है, ये पब्लिक के द्वारा मनता है, यानी लोगों के द्वारा मनता है, लोग अपने आप मनाते हैं और अपने लिए मनाते हैं। इस कार्यक्रम में आपको वहाँ कोई लीडर नहीं मिलेगा, आपको कोई आदमी वहाँ नहीं मिलेगा, कोई संगठन नहीं मिलेगा, कोई बैनर नहीं मिलेगा, कोई इसका दावा नहीं मिलेगा कि ये कार्यक्रम किसका है किसका नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम के दावे राष्ट्र के होते हैं। आप आइए अपना चादर दरी खाना लेके, जहाँ आपका मन करे वहाँ बैठ जाइए, जहाँ आपका मन करे वहाँ मोमबत्ती जलाइए, अलग बैठिए, शांति से बैठिए, गुट में बैठिए, लोगों के साथ बैठिए, धूमधाम से मनाइए, खूब खीर खाइए, खूब खिलाइए, पूड़ी कचौड़ी बना के लाइए, बांटिए, लोगों को दीजिए, राष्ट्रगान गाइए, संविधान रखिए अपने पास, संविधान पढ़िए, संविधान का जयकार कीजिए, आगे का प्रण कीजिए कि और ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने में समय लगता है, 1-2 साल, 3 साल, 10 साल आराम से निकल जाते हैं, तब जाके कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम बनता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम का फायदा ये होता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरी दुनिया में देखा और बताया जाता है, उससे पता चलता है कि संविधान कितनी मजबूत चीज़ है और संविधान कितनी बढ़िया चीज़ है, और संविधान पूरी दुनिया में जब सशक्त होगा तो आपको संविधान का संरक्षण मिलेगा और संविधान का लाभ भी मिलेगा। इसलिए संविधान दिवस पर आप राष्ट्रीय कार्यक्रम की संरचना के हिसाब से, जो उसका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एक्ट कीजिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। 26 जनवरी अगर राजपथ पर मनती है तो 26 नवंबर भी राजपथ ही पर भी मननी चाहिए, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय पर्व हैं और दोनों ही ताकतवर हैं और दोनों ही बराबर हैं। धन्यवाद।